ड्रामा करने के लिए क्या किया, वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद, 50,000-60,000 रोज करेंगे ये काम आज चलता रहेगा, सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। हरियाणा में 18 प्लस वैक्सीनेशन की धीमी पड़ी रफ्तार, आखिर इस प्रक्रिया के लिए कौन है जिम्मेदार, सीएम मनोहर लाल ने बताई इसकी वजह, सीएम के बयान पर केजरीवाल का पलटवार, कोरोना संक्रमण की रफ्तार थामने के लिए देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की वजह से विवाद हो रहा है। इस विवाद के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बयान सामने आया है, जिसमें मुख्यमंत्री वैक्सीन लगाने में जानबूझकर देरी करने को भी रणनीति करार दे रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार के पास वैक्सीन है, पर उन्हें थोड़ी थोड़ी संख्या में कई दिन में लोगों को लगाएं। यही कारण है कि हरियाणा के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो आज भी दे रहा है, जो आज देगा वो आगे भी लगेंगे। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज़्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2,00,000 एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। इस वीडियो में मनोहर लाल कह रहे हैं कि ड्रामा करने के लिए कह दिया कि कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर बंद, हम कहते हैं कि टीके आपको ज्यादा मिल रहे हैं, हम भी 2,00,000 टीके एक दिन में लगाकर खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम 50,000-60,000 रोज टीके लगा रहे हैं ताकि काम चलता रहे। इस वीडियो में आगे मनोहर लाल ने कहा कि सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए, वो राजनीति करते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000-60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। वो सूझबूझ रखने के बजाय राजनीति करने का उसका मानस है। अब इसी बयान पर टिप्पणी करते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी, जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे, मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं लोगों की जान बचाना है, वैक्सीन की किल्लत पर जारी है जंग। आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन तो हो रहा है, लेकिन एक दिन में 20-30 लाख के करीब टीके लग पा रहे हैं। कई राज्यों में वैक्सीन न होने से 18 प्लस के लिए टीकाकरण रुक गया है। हालांकि अब केंद्र का कहना है कि जून महीने में करीब 12 करोड़ टीके उपलब्ध होंगे, वहीं साल के अंत तक ये संख्या 216 करोड़ होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।